ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। राजस्थान के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बीजेपी ऑफिस में बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के तहत कई तरह के छूट की घोषणा की है। इन छूट से छोटे कारोबारियों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों को भी 1 करोड़ तक के टर्नओवर का कमीशन का लाभ मिलेगा। एक मेजर डिसीजन है। दूसरा, हम सिंप्लीफिकेशन करने की दृष्टि से 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले लोगों को अब मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है और न मंथली टैक्स देने की जरूरत है। अब 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले व्यापारियों को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो और चाहे वो ट्रेडर हो। तीसरा, एक्सपोर्टर्स का लगातार एक चिंता थी कि चूंकि टैक्स एक्सपोर्टर जीएसटी में एग्जम्प्टेड है, एक्सपोर्ट्स पर टैक्स नहीं लगता, एक्सपोर्ट पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन चूंकि हमें टैक्स की ट्रेल को ट्रैक करना है इसलिए एक्सपोर्टर्स को टैक्स देना था आईजीएसटी के अंदर, लेकिन आईजीएसटी का पैसा उनको वापस मिले इस दरमियान उनका यह कहना था कि हमारी वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज है। इस चिंता को दिल्ली की सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने समझने की कोशिश की है और हमने कहा कि इनको इमीडिएटली रिफंड की शुरुआत इनको करनी चाहिए। 10 अक्टूबर से जुलाई के रिफंड को और 18 अक्टूबर से हम अगस्त के रिफंड को शुरू करने वाले हैं। कृषि विभाग ने कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सूचना किसानों तक पहुंचाने के लिए आईटी का उपयोग शुरू किया है। युवा और शिक्षित किसानों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विभाग सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। फेसबुक के जरिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, किराए पर कृषि उपकरणों के लिए शुरू की गई कस्टमर हायरिंग सेंटर योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। पानी की समस्या को लेकर सोडाला क्षेत्र के रामराजपुरा राखड़ी कॉलोनी में स्थानीय लोगों ने बोरिंग लगाने और आई गाड़ी और जलादय विभाग के कर्मचारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं सड़क पर उतर आईं और जाम लगाकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले 5 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे सोडाल थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। लोकसभा उपचुनाव को लेकर अलवर की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ने लगी है। एक ओर कांग्रेस जन समस्याओं को उठाते हुए सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है तो बीजेपी भी अब प्रचार को लेकर बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय करने में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को अलवर का दौरा करेंगे और प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सोमवार को हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है जिसमें प्रदेश भर से अपेक्षित नेता जितने भी हैं वो सब पधारेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक परदामी जी सब, जिसकी पूरे ज़िले में बहुत जोर शोर तैयारियां चल रही हैं और पूरे ज़िले में उत्साह का माहौल है। इस कार्य समिति को लेके सभी कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सब एक टीम बनकर काम कर रही है बीजेपी, जिसके अंदर इस कार्य समिति का मैसेज जिले के अंदर बहुत अच्छा जाएगा। जयपुर के चौमू शहर के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई जिसमें बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। पूर्व विधायक ने क्षेत्र में काफी समय से हो रही विद्युत कटौती को लेकर चिंता जताई। जो विद्युत सप्लाई है केवल 10-12 घंटे आ रही है, 24 घंटे में, और किसी विद्युत सप्लाई जो 8 घंटे आनी चाहिए 5 घंटे कर रही है, लेकिन 2-3 घंटे मुश्किल से आ पाती है, वो भी टुकड़ों में आ रही है। किसान व आमजन परेशान है। इसी बात को लेकर आज मीटिंग आयोजित की गई है कि इसके लिए क्या किया जाए। सभी ने सर्वसम्मति से राय दी कि इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाए और इसके लिए शीघ्र ही हम 12 तारीख को एक धरना प्रदर्शन को भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की बहुत बड़ी समस्या, आज समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जा रहा है जबकि ये कभी धरना प्रदर्शन किया किसानों ने। रंगरेज महासंघ राजस्थान की ओर से रंगरेज पहचान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता पर बात हुई। कार्यक्रम में
मसूदा के पूर्व विधायक समेत सैकड़ों रंगरेज समाज के लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम में रंगरेज पहचान सम्मेलन के नाम से ये हमारे पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र से समाज के लोगों को हमने बुलाया है। उसके पीछे मकसद हमारा एक ही है कि आपसी पहचान और एक जागरूकता समाज के अंदर कायम हो, और उसके साथ ही समाज के अंदर, शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर, राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक के अंदर जो पुरानी कुर्तियाँ हैं उसको अपन लेके एक आपसी बातचीत और डिस्कस है। रंगरेज समाज काफ़ी सालों से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहते हुआ है, राजा महाराजों के ज़मानों से हम लोग उनके साथ रहते हुए हैं। रंगरेज समाज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन छोटे छोटे गाँवों कस्बों में बिछड़ गई है। एक प्लेटफॉर्म पर ना होने की वजह से हम लोगों ने एक सामाजिक और आर्थिक तौर पर अपनी पहचान खोई हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने अपनी पहचान खोई है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक पहचान बने समाज, एक बहुत बड़ा समाज है रंगरेज समाज, और हम बरसों से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आए हैं। बरसों से हिंदुस्तान के अंदर राजा महाराजों के जमानों से हम राजा महाराजों के साथ उनके कामदार रहते हैं। जयपुर में दो मुट्ठी का दम के नाम से 6 बच्चों ने मिलकर एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें पहला सामाजिक कार्य उपहार के नाम से किया जा रहा है। उपहार में कैंसर पीड़ित बच्चों की दिवाली बेहतर बनाने के लिए इन बच्चों ने घर घर जाकर घरों में पड़े पुराने चीज, अखबार, खिलौने, चादर, किताब को जमा किया है, और उनको बाजार में बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए दिवाली पर तोहफा खरीदने की तैयारी है। जयश्री बेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल और जयश्री बेरीवाल हाई स्कूल के मिलाकर 3,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स से, और 2-3 कंपनीज, मेटा क्यू, मोम स्टील्स, और 3-4 अपार्टमेंट्स, ऐसी अपार्टमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस पे हमने जाके कहा कि हम आपकी रद्दी कलेक्ट करते हैं। हमने इस रद्दी को कलेक्ट करके हम इसे बेचेंगे, और जो मनी हम रेस करेंगे उससे हम कुछ सिलेक्ट हॉस्पिटल्स के लिए, उनके कैंसर रिडन बच्चों के लिए इस दिवाली पे थोड़े दिए जलाना चाहते हैं, इस दिवाली को थोड़ा उनके लिए बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए उस पैसों से कुछ नए कपड़े, नए टॉयज, नई किताबें खरीदना चाहते हैं। पहले मैच से मिली निराशा से उभरते हुए जयपुर पिंक पैंथर्स ने शनिवार को एसएमएस स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग 5 के मैच में यू मुंबा को 36-32 से मात दी। पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा के खिलाफ पहले हाफ में 1 अंक से पिछड़ने के बाद बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इससे पहले हरियाणा और तेलुगु टाइटंस के बीच का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। पिंक पैंथर के समर्थकों, जितने क्राउड जो हमसे प्यार करता है, उसके लिए हमने ऐसे जान चले जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि उनको जीत के दिखाएं। हमारे मैसेज है, इतने अच्छे दर्शक, इतने अच्छे मतलब जो हमारे सपोर्टर हैं, रियली मतलब काबिल तारीफ है। वी आर वेरी थैंक्सफुल टू जो हमारे को, हमारे फैन है जो हमारे को जोश दे रहे हो, और हम जरूर अच्छा करेंगे कल भी। हाँ जी, आपके लिए कल भी सवाल पूछा गया था आपसे, जब पिंक पैंथर से पहली बार खेल रहे कैपिटल में जयपुर आए हैं, तो जयपुर का क्राउड जो है कल भी जो था, कल बहुत से लोगों को मायूसी मिली आपके जो फैंस थे जयपुर के, पर आज जो जोश था वो बिल्कुल बराबर का था, क्या जयपुर की, जयपुराइट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही बोलेंगे भाई के हम जब जीतते हैं तो हमारे में और ज़्यादा वो जोश बढ़ते हैं, हारते हैं तो वो निराश नहीं हो, हम जीदारी से खेल रहे हैं। जब मैंने 1 पॉइंट के लिए टाई तो मैंने खरीद लिया, चाहता था अगर मैं अंदर होता टाई तो खरीद लेता। उम्मीद थी आपकी? यस, बिल्कुल, बाहर बैठे मेरी ये उम्मीद थी कि एक बार अंदर आता तो मैं टाई खरीदूंगा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी इलाके के करुणंडा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रही 4 दिवसीय 62वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री चंद कृपलानी ने शिरकत की। जिले भर के उच्च प्राथमिक विद्यालय की 90 टीमों के 500 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पंचायत समिति के हमारे लोकप्रिय चैंपियनशिप गई है इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक जी नवलखा। बढ़ते हैं आगे, पति पत्नी के संबंधों में मजबूती लाने का त्योहार करवा चौथ
गगन में चांद में पति का स्वरूप देखकर रिश्तों को चार चांद लगाता है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि पर पूर्व विश्व भर के साथ ही जमशेदपुर शहर में भी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। जमशेदपुर में करवा चौथ के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। करवा पूजा है आज, हम लोग पति के लिए अपने लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करते हैं हम लोग, सुहाग अपना अपना बनाए रखने के लिए। हाँ, सारे दिन हम लोग उपवास करते हैं, शाम को अपने करवा भगवान की पूजा करके संध्या रात्रि में आपका चांद देख के हम लोग सब कोई पति मतलब चांद की पूजा करके पति का पूजा करके फिर हम लोग पानी ग्रहण या कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। बूंदी में भी करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर महिलाओं ने चौथ माता मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। तो महिलाएं तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है और जो कंवारी कन्या है वो अपना अच्छा वर के लिए करती है। आज आप यहाँ कहाँ आए और क्या मांगने? चौथ माता के मंदिर में अच्छा। अपने पति की लंबी उम्र, कंवारी कन्या भी इसमें हमने पूर्ण होती है। हाँ, मानना तो यही है, होती है जहाँ तक होती है पूरी, तो इसीलिए तो करते हैं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्या एक अच्छे वर्क की कामना के लिए व्रत किया जाता है। हाँ, रात को चांद देखने के बाद में हम बूंदी चौथ माता के मंदिर में आए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।